यादव क्यों नहीं दिखते? मुझको नहीं पता कौन नहीं दिखते, मैं इसको राजनीति नहीं करूंगा। कोई नहीं दिखता, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई मंत्री। गाली गलौज चल रहा है जदयू और बीजेपी के बीच। तुम मैं तुम। ये लॉकडाउन नहीं, ये कर्फ्यू नहीं, ये नहीं, ये नारी खोकी का। उन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, जदयू भाजपा के जो सरकार का जो नेताओं का हॉस्पिटल है उसको भरपूर ऑक्सीजन है, सर एक भरपूर वो लूट रहे हैं। सर एक डाटा कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है, उसमें कहा दोनों वैक्सीन लेने के बाद डेथ की है, वो उनसे पूछिए, उसका रेशियो कम बताया जा रहा है। तो वो दे रहा हूं, वैक्सीन इनके पास है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं। पहले ये बताए ना वैक्सीन लेने का जगह कहां कहां है। मेरा सीधा सवाल है स्वास्थ्य मंत्री से, जब आपके पास वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं है और वैक्सीन आप देने में सक्षम है ही नहीं, जब एक टैबलेट और सुई नहीं दे सकते स्वास्थ्य मंत्री, वो तय करेगा माफिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 18 साल से ऊपर वाले को मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। भैया मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले भी कहे थे, मुख्यमंत्री जी लाचार, बेबस, बेसहारा, उनका आंख कान है 9 पदाधिकारी जो चारों तरफ धृतराष्ट्र के तरह उनको घेरे हुआ है। मुख्यमंत्री जी बेचारा और निसहाय है, हाथ खड़े कर चुके, और जो जिम्मेदार विपक्ष है उनके बारे में कोई शब्द नहीं। वैक्सीन के दोबारा डोज के बाद तो कोरोना हो ही रहा है। सर वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, किसको समझने की जरूरत है, लेकिन उसका जो मात्रा है वो कम कर किया, लोग कह रहे हैं कि कम हो जाता है, तो नहीं मामा को खाना मामा लेने में क्या दिक्कत है। सर मैं वही बात तो कह रहा हूं, लगभग डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं वैक्सीन लेने के बाद, लगभग डॉक्टर। मैं यही सवाल स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं, लगभग डॉक्टर संक्रमित क्यों हो रहे। सर पटना, और दूसरा सवाल है कि वैक्सीन मिल कर रहा है, कोई भी डेंजरस संक्रमण के लिए ये है, अब इसको कोई डॉक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि बचत नहीं है डॉक्टर को।